और यूपी के फिरोजाबाद से इस वक्त की अहम अपडेट सामने आ रही है। सपा का लोक जागरण अभियान अब फिरोजाबाद पहुंच चुका है और लगातार कई बड़े नेता फिरोजाबाद में आज सुबह से नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव देर शाम तक आज फिरोजाबाद पहुंचने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के चीफ हैं अखिलेश यादव और सपा के लोक जागरण अभियान के तहत जो प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं अलग अलग जिलों में, वहां पर अखिलेश यादव की मौजूदगी आज होगी फिरोजाबाद में और यहां पर वो कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद करेंगे। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल कार्यक्रम में लगातार आज सुबह से ही मौजूद है। इसके अलावा राम अचल राजभर और फिरोजाबाद के पूर्व सांसद अक्षय यादव भी इस वक्त मौजूद है। सपा के तमाम विधायक और पूर्व MLC कार्यक्रम में मौजूद है। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आज फिरोजाबाद में नजर आ रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर में काफी भीड़ दिखाई दे रही है। 2024 लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर ये खास आयोजन हो रहा है और प्रशिक्षण शिविर में आज शाम 4 बजे अखिलेश यादव के पहुंचने की बात कही जा रही है। तो फिरोजाबाद से इस वक्त की बड़ी अपडेट, सपा का लोक जागरण अभियान लगातार जारी है और तमाम नेता आज फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव भी देर शाम तक फिरोजाबाद पहुंच रहे हैं। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल कार्यक्रम में मौजूद हैं। रामचल राजभर पूर्व सांसद अक्षय यादव भी मौजूद हैं। इसके अलावा सपा के तमाम विधायक और पूर्व MLC भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है और 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर सपा की ओर से ये पूरी कवायद की जा रही है। खासतौर से बूथ मैनेजमेंट को लेकर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच जो वोटों का अंतर है वो विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा दिखाई दिया नहीं था। बूथ मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कमी नजर आई थी और शिवपाल सिंह यादव ने भी इसको लेकर अखिलेश यादव को आगाह किया था, जिसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी लोक जागरण अभियान चला रही है और इसी अभियान के तहत कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। कड़ी में फिरोजाबाद में आज सपा का लोक जागरण अभियान है और यहां पर एक कार्यकर्ता शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अखिलेश यादव आज देर शाम 4 बजे पहुंच रहे हैं। इसके अलावा तमाम समाजवादी पार्टी के नेता भी मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल सुबह से ही फिरोजाबाद में मौजूद हैं और लगातार मंच पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा शिवपाल सिंह यादव भी आज फिरोजाबाद पहुंच रहे हैं। रामगोपाल यादव के पहुंचने की बात भी कही जा रही है। फिलहाल की अपडेट ये है कि लगातार ये शिविर जारी है। रामचल राजभर और पूर्व सांसद अक्षय यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक और पूर्व MLC मौजूद हैं कार्यक्रम में। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर ये खास आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर में अखिलेश यादव आज शाम 4 बजे फिरोजाबाद पहुंचेंगे, ये अपडेट सामने आई है। और फिलहाल लगातार सपा के लोक जागरण अभियान के अंतर्गत इस प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं का पहुंचना जारी है। तमाम बड़े नेता संबोधित कर रहे हैं लगातार कार्यकर्ताओं को और बूथ मैनेजमेंट को लेकर के खास तौर पर कार्यकर्ताओं को ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट फिरोजाबाद से, जहां अखिलेश यादव का दौरा है और आज शाम 4 बजे अखिलेश यादव यहाँ कार्यकर्ताओं के बीच पहुँच सकते हैं।